अरे श्रीराम भैया, फिर से निकल पड़े? हाँ, ज्ञान प्राप्त करने इस बार पश्चिम की तरफ जाऊंगा। ज्ञान व्यान कुछ नहीं, आखिर कब तक गांव में ज्ञान के नाम पर दूसरों से लेके खाऊंगा। अब जरा जल्दी जल्दी जाता हूँ। अब तो बिना खाए काम नहीं चलेगा, चलो उस दुकान में चलता हूँ। बेटा, कुछ खाने को दोगे क्या? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ, जीवन की खोज में। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं। ये सोन पापड़ी है ना? हाँ, स्पेशल है, रुकिए। वाह, देखने में तो ये अच्छे इंसान लगते हैं। जब तक आप यहाँ हैं, मैं जरा अपने घर जाकर आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अब जरा आराम कर लेता हूँ। अरे वाह, इन्होंने तो डिब्बों का सामान पूरा बेच दिया। ये क्या? पर पैसे तो उतने ही हैं। इसका मतलब इसने पूरा सामान चोरी करके बेच दिया। रुको रुको, अभी तुम्हारा सारा ज्ञान यहीं पर निकालता हूँ। आप पर विश्वास करके मैंने दुकान छोड़ी थी और आपने पूरे डब्बे खाली करवा दिए। पर मैं तो सो रहा था, चोरी कैसे करूंगा? सो रहे हो, ये तो मैं ही देख रहा हूँ, पर वो चोरी करने के बाद। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और आप पर? अब सोन पापड़ी की सारी कीमत अपनी जेब से निकाल कर दो। मेरा नाम श्री राम है, राम जी की कसम, मैंने चोरी नहीं की। हाँ, मैंने सच में चोरी नहीं की। अच्छा, तो चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो भाई? तुम्हारे गुस्से को देखकर कहीं दो हाथ लगा दिया तो। दो हाथ हैं? पहले पकड़ लो, उसके बाद गिन गिन कर दो दुनी चार, चार चौके सोलह, सोलह सोलह 256 हाथ लगाऊंगा। अब जंगल जा रहा है, अब बाघ के पेट में जाकर शिक्षा लेना। बच गया भाई। उफ, अब पेट को और नहीं रोक सकता मैं, पेट पे मरोड़ उठ रहे हैं। कोई दिख जाता तो ये लकड़ियाँ उसके भरोसे छोड़कर जरा पेट हल्का कर लेता मैं। पेट की हालत बहुत खराब है, पर कोई दिख भी नहीं रहा है। अगर रास्ते में धोती खराब हो गई तो उफ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे वो कोई जा रहा है। अरे हाँ, अरे सुनिए सुनिए, यहाँ यहाँ। मुझसे कह रहे हैं? यहाँ आपके अलावा और कोई है क्या? दरअसल मेरे पेट पे जोरों का दर्द हो रहा है, क्या आप थोड़ी देर के लिए लकड़ियों पर नजर रखेंगे? अच्छा ठीक है। कितने सुंदर फल लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुला रहे हो। अरे
मैंने जिसे नजर रखने को कहा वही चोर निकला। चोरी करके आप फल खा रहे हो हा? रुको, अभी तुम्हारी चोरी निकालता हूँ। वो पूजा के लिए काटी हुई लकड़ियाँ थी, तुम्हें पाप लगेगा। ए, 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 राम कसम खा के कहता हूँ, मैंने वो लकड़ियाँ चोरी नहीं की। रुक जा, कहा ना, रुक जा। अरे बाप रे, बारिश आ गई। बारिश में भीगने से अच्छा है कि रात यहीं गुजार लेता हूँ। आ, ये फल खा लेता हूँ। वाह, बहुत मीठा है। कौन? ए, चोर, 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 चोर। अरे मैंने क्या चोरी की जो चोर चोर बोल के तुम मुझे चोर बना रहे हो? चोर 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 चोर। बारिश से बचने के लिए जब उस घर में मैं गया था तभी मैंने इस चोर को वहाँ देखा। अलमारी से बर्तन चुरा रहा था, ये भाग न जाए इसलिए चोर चोर चिल्लाया। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं किसी पुराने घर से बर्तन क्यों चुराऊंगा? असल में मैंने इस आदमी को असली चेहरा देख लिया है। हाँ मुखिया जी, इस आदमी ने ज्ञान के नाम पर मेरी दुकान से एक डिब्बा सोन पापड़ी चोरी करके बेच दी थी। हाँ, मेरे जंगल से काटी हुई लकड़ियों को भी इसने चुरा कर बेच दी, पर इतनी जल्दी इसे खरीदार कहाँ मिल गए? आप इसे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मैं इससे जानकारी नहीं पूरी जानकारी की लिस्ट निकलवा लूंगा। चुप हो जाओ, कोई मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं करेगा। अब बताओ, क्या ये सब तुम लोगों की आंखों के सामने हुआ था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। तो फिर कैसे चोर कह रहे हो? सुनो, अभी एक खेल खेला जाएगा, हांडी तोड़ने का खेल। हांडी और लाठी का इंतजाम करो, ये दोनों लोग खेलेंगे। जो जीतेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा, असली चोर का पता लगाने के लिए हांडी तोड़ने का खेल क्यों खेला जाएगा? आंख बंद करके जो हांडी पर सही निशाना लगा लेगा वही असली चोर है, क्योंकि अंधेरे में उसे सामान चुराने की आदत है, समझे? अगर मैंने हांडी तोड़ दी तो ये लोग मुझे चोर नहीं समझेंगे। लगता है ये बहुत चालाक है, मेरी ही तरह इसने भी जानबूझकर हांडी को नहीं तोड़ा। इन दोनों में से किसी के पास भी अंधेरे में चीजों को उठाने की आदत नहीं है, इसीलिए चोर कौन है ये अभी भी बताया नहीं जा सकता। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है? सुनो, हमारे पास के गांव के एक भाई की मौत हो गई है, उसे तुम दोनों जाकर शमशान ले जाओ। कहां मैं ज्ञान की खोज में निकला था और ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस रास्ते पे चलना था और मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। गधे हैं आप, दुकान में जाकर दुकानदार से सोन पापड़ी मांग कर खा लिया और पेट भर लिया और वहीं सो गए। पर तुम्हें कैसे पता चला? सोन पापड़ी तो मैं नहीं चुराई थी, हल्का पेड़ देखकर अपनी जिम्मेदारी भूल गए। मेरे घर पर लकड़ियाँ नहीं थी इसलिए मुझे लकड़ियाँ लेनी पड़ी। उसके बाद सोचा कि सिर्फ लकड़ियाँ से तो काम चलेगा नहीं, बर्तन नहीं होंगे तो खाना कैसे पकाऊंगा। इसलिए उतनी रात को उस पुराने घर में घुसकर बर्तन ले रहा था, शांति से काम कर रहा था, उसमें फिर से तुमने अपनी टांग घुसेड़ दी। हाँ? तो इतना सब कांड तुमने किया है? अरे रुक रुक रुक, अब नहीं बचेगा तू, मुझे असली चोर मिल गया है। रुक तो रुक। अरे बाप रे, 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 अरे बाप रे।
दोनों किस तरह भागे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, इतनी तेज भाग रहे थे दोनों। तो अब तुम लोग बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा उपाय। सुनो, विद्या चोरी करके ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान चोरी करके विद्वान बनना, दोनों ही किसी काम के नहीं होते हैं। सही कहा आपने, बहुत ज्ञान मिल गया मुझे। कैसा ज्ञान? चोरी करना आसान है पर चोरी बचाना बहुत ही मुश्किल है।